नभास किचन, आज हम एक बहुत ही यूनिक नई और फ्लेवरफुल आइसक्रीम बनाएंगे। आज की हमारी आइसक्रीम है गुलकंद आइसक्रीम, बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस होती है। आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों ने शायद ट्राई भी नहीं करी होगी। आज हम साथ में मिलकर बनाते हैं एंड बिलीव मी इट टेस्ट्स अमेजिंग। तो चलिए बनाते हैं, ज़्यादा इसके लिए इंग्रीडियंट्स भी नहीं चाहिए, बहुत मिनिमम इंग्रीडियंट्स के साथ बन जाती है। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस फ्लेवरफुल रोज गुलकंद आइसक्रीम के लिए सबसे पहले मैंने एक प्लेट ली है और उसके अंदर ये आइस क्यूब्स और ठंडा पानी डाल लिया है ताकि हमारी क्रीम चिल्ड रहे। ये बोल के अंदर मैंने 250 ml फ्रेश क्रीम ली है। आज हमारी इस आइसक्रीम के लिए हमें स्टिफ पीक्स नहीं करने, तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक विपर नहीं है या हैंड विस्कर नहीं है तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। आप ब्लेंडर लीजिए और ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर लीजिए। देखिए कैसे करना है। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे विप कर लिया है और इस गुलकंद आइसक्रीम के लिए हमें इसे स्टिफ पीक्स नहीं करना है, बस थोड़ी थोड़ी ही ब्लेंड करनी है। हमें बस इसको थोड़ा थोड़ा ही विप करना है। ये देखिए, बस हल्का हल्का सा इसके अंदर वो थिक हो जाए, स्टिफ पीक्स नहीं चाहिए हमें इस आइसक्रीम के लिए। तो ये हो गया, अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। अच्छा, शुगर ऐड करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम जो इसके अंदर अभी रोज सिरप ऐड करेंगे वो भी मीठा है, गुलकंद डालेंगे वो भी मीठा है, तो चीनी बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। मैं इसके अंदर 250 ml जो मैंने क्रीम ली है इसके अंदर मैं अप्रोक्सीमेटली ये वाला बड़ा चम्मच 3 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। हम पिसी हुई चीनी का यूज करेंगे, बस लेवल से ही, बहुत ज्यादा हीट नहीं करना। 1, 2 and 3, बहुत ऊपर तक हीप करके नहीं डालेंगे प्लीज। बस ये हमारी चीनी मिक्स हो गई, अब हम इसके अंदर एक एक करके सारी चीजें डाल देंगे। चीनी के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ गुलकंद, अप्रोक्सीमेटली 1 tablespoon। और ये रोज सिरप, अगर रोज सिरप आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा इसको कलर के लिए इसमें पिंच ऑफ पिंक कलर भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने रोज सिरप भी सिर्फ 1 tablespoon ही लिया है। अब हम दोबारा इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो गुलकंद की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज्यादा भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 1-1.5 tablespoon तो जरूर डालिएगा। सिंस ये गुलकंद की आइसक्रीम है तो उसका फ्लेवर थोड़ा प्रोमिनेंट ही होना चाहिए। ये देखिए, ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ब्लेंड हो गई है। इसमें काफी एयर बबल्स इनकॉर्पोरेट हो गए हैं, बट हमें स्टिफ पीक्स नहीं करना है इसमें। ये देखिए, अब मैं इसको एक एयर टाइट कंटेनर में निकाल लेती हूँ। अब हम अपना सारा मिक्सचर इस एयर टाइट कंटेनर में निकाल देते हैं। हमारा सारा मिक्स इसमें डल गया है। अब ये 3-4 hours बाद जब सेमी सॉफ्ट हो जाएगी तब हमें इसको एक बार निकाल के अच्छे से दोबारा से मिक्स करना है। हम इसको ब्लेंड नहीं करेंगे, पहले जैसे आइसक्रीम्स में हमने इसको मिक्सर जार में डालकर फिर से ब्लेंड करा था, बट सिंस इस बार हमने क्रीम यूज करी है तो हमें इसे मिक्सर जार में ब्लेंड नहीं करना है, बट जस्ट एक बार सेमी सॉफ्ट को एक बार ऐसे ऐसे मिक्स कर देना, बिकॉज जो हमने इसमें गुलकंद डाला है चांसेस है कि वो नीचे सेटल हो जाएंगे। तो अगर हम इसको ऐसे ऐसे मिक्स कर देंगे एक बार सेमी सॉफ्ट स्टेट में तो वो सारे गुलकंद के जो पीसेस होंगे ऊपर नीचे करके सब में मिक्स हो जाएंगे और हमें हर बाइट में मुंह में आएंगे। इस पे आइस क्रिस्टल्स ना आए उसके लिए हम इसके ऊपर क्लिंग रैप लगा देते हैं। बॉक्स बंद एंड नाउ दिस गोज इनटू फ्रीजर फॉर 3-4 hours। सो फ्रेंड्स, चलिए 4 hours हो गए हैं, हम अपनी आइसक्रीम चेक कर लेते हैं। सेमी सॉफ्ट हो गई है ये, ये देखिए ऐसे आराम से उतर रही है। मैं आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ, ये देखिए, बस हमें इसको एक बार ऊपर नीचे मिक्स करना है। ये देखिए, हमने इसको एक बार ऊपर नीचे करके अच्छे से मिक्स कर दिया, इससे जो हमारा गुलकंद है वो हर बाइट में हमारे मुंह में आएगा एंड इट विल टेस्ट ऑसम।
वापस से हम इस पे क्लीन फिल्म लगाकर इस डब्बे को बंद कर ओवरनाइट इसको फ्रीज करेंगे और फिर हमारी बहुत यमी रोज गुलकंद आइसक्रीम कुल्फी कुछ भी कह सकते हैं बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चलिए इसको कवर कर देती हूँ। सो व्यूअर्स, 8 घंटे हो चुके हैं, अब हमने अपनी आइसक्रीम बॉक्स बाहर निकाल लिया है, अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। वेरी नाइसली सेट हमारी बहुत यमी गुलकंद आइसक्रीम। ये देखिए लाइट पिंक कलर भी आ रहा है और इसमें बीच बीच में गुलकंद भी दिख रहा है हमें। हमने इसको एक बार बीच में मिक्स कर लिया था 3-4 आवर्स के बाद। लुक्स यमी। इसे अब हम प्लेट कर लेते हैं। सो ये देखिए हमारी बहुत यमी बहुत डिलिशियस गुलकंद आइसक्रीम इज एब्सोल्युटली रेडी। आप इसको कैसे भी गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ये थोड़े से ड्राइड रोज पेटल्स डाल दिए, सूखी गुलाब की पत्तियां मार्केट में मिल जाती हैं। ये देखिए रेडी टू बी रिलिश्ड। आप इसे जरूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगे तो नवदास किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन सी यू बाय बाय विद अ न्यू रेसिपी।